Welcome SVPH to presentation on chapter number 12, Mullah Nasruddin, and this is part 3 of our presentation. So, students, we completed till act 3, and now we will start with act 4. And what is act 4? Nasruddin M E T S meets akram You know what is the meaning of meat? M E T. मीट मींस मिलना सो नसरुद्दीन किसको मीट करता है किससे मिलता है एकरम से एंड यू नो हुम एकम इज दिक्योरिटी गार्ड राइट सो नसरुद्दीन अप्रोच द बॉर्डर नसरुद्दीन क्या करता है अप्रोच करता है ए डबल पी आर ओ एसी एच अप्रोच अप्रोच करना मतलब किसी चीज के पास पहुंचना ओके सो नसरुद्दीन अप्रोचेज द बॉर्डर यू नो वट इज द बॉर्डर बॉर्डर होता है दो सिटीज की सीमा या दो कंट्रीज की सीमा राइट सो नसरुद्दीन अप्रोचेज द बॉर्डर विद अ डोंकी कैरिंग बंडल्स ऑफ स्ट्रॉ ऑन इट्स बैक सो नसरुद्दीन क्या करता है बच्चों अप्रोच करता है बॉर्डर को किसके साथ में विथ अ डोंकी विद मीनस टूगेदर किसी के साथ सो विद अ डोंकी डोंकी के साथ में नसरुद्दीन जो है बॉर्डर को अप्रोच करता है एंड वो जो डोंकी है वट इज द डोंकी डूइंग कैरिंग सी ए डबल आर वाई आई एन जी ओके कैरिंग बर्नल्स ऑफ स्ट्रॉ जो डोंकी है वो क्या कर रहा है कैरी कर रहा है ले जा रहा है कैरी करना मतलब ले जाना कैरी कर रहा है बंडल्स ऑफ स्ट्रॉ ओके बंडल्स ऑफ स्ट्रॉ जो स्ट्रॉ होता है वो होता है तिनके ओके सो एक बंडल होता है पूरा तिनकों का वो अपनी बैक पे अपनी पीठ पे जो है डोंकी लेके जा रहा होता है कैरी कर रहा होता है क्लियर नाउ व्हाट हैपन्स एक्रेम ओके एक्म द गार्ड स्पॉट्स नसरुद्दीन स्पॉट्स स्पॉट करना मतलब किसी चीज को देखना एस पी ओ टी स्पॉट सो एकर जो है जो गार्ड है जो सिक्योरिटी है वो किसको स्पॉट करता है नसरुद्दीन राइट नाउ व्हाट डज एक्रम से एकम हॉल्ट एच ए एल टी हॉल्ट हॉल्ट मींस स्टॉप ओके सो व्हाट डज एक्रम से हॉल्ट वॉट बिजनेस ओके वॉट बिजनेस डू यू हैव इन अक्षह हीर ओके ये क्या है सिटी का नाम है सो वॉट डज द सिक्योरिटी टेल नसरुद्दीन हॉल्ट एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ हॉल्ट स्टॉप वॉट बिजनेस मतलब आपको क्या बिजनेस है आपको क्या काम है व इन एक्शी हिर आपको एक्शी हिर में क्या बिजनेस है क्या काम हैथिंग सर नथिंग सर यू नो वट इज अग ऑफ नथिंग कुछ नहीं सो वॉट डज हॉजस से नथिंग सर कुछ काम नहीं है मुझे आई एम जस्ट स्मगलिंग ओके सो वॉट डज हॉजस से नथिंग सर आई एम जस्ट स्मगलिंग एस एम यू डबल जी एल आई एन जी एंड वॉज इट इज द मीनिंग ऑफ स्मगलिंग यू ऑलरेडी नो राइट नाउ जस्ट इमेजिन आप किसी पुलिस वाले को आपने कभी सुना है कि कोई जो थीफ है जो चोर है वो पुलिस वाले से कहे कि सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं आई एम डूइंग नथिंग आई एम जस्ट यू नो स्मगलिंग या मैं कोई चोरी करने वाला हूँ आई एम स्टीलिंग ऐसा कभी ऑनेस्ट आपने चोर देखा है थीफ देखा है ये ऐसा स्मगलर देखा है आपने ऑनेस्ट नहीं देखा ना सो वॉट सिक्योरिटी गार्ड है ओके okay? की रिएक्शन कैसी होती है सरप्राइज वाली होती है और वो क्या बोलता है वॉट डब्ल्यू एच ए टी वॉट ओके सो ये जो रिएक्शन है कैपिटल में क्यों है कैपिटल लेटर्स में क्यों है रिएक्शन क्योंकि वो सरप्राइज हो गया एकदम सिक्योरिटी स्मगलिंग यू एडमिट ओके दैट यू आर इन अ यू आर अ स्मगलर देन सो एक नाम क्या बोलता है यू एडमिट ए डी एम आई टी एडमिट मतलब एक्सेप्ट करना मानना सो यू एडमिट मतलब आप एक्सेप्ट करते हो आप मानते हो दैट यू आर अ स्मगलर आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि आप एक स्मगलर हो देन मतलब इसका मतलब है कि अब आप मान रहे हो कि आप एक स्मगलर हो यू थिंक दिस इज अ जोक ओके सो आपको क्या लगता है आप सोच रहे हो दैट दिस इज अ जोक सो वॉट डू यू थिंक दिस इज अ जोक आपको क्या लग रहा है कोई जोक है हैव यू नॉट हर्ड ओके हैव यू नॉट हर्ड एच ई ए आर डी हर्ड मीन्स सुना सो हैव यू नॉट हर्ड अबाउट ए बी ओ यू टी अबाउट सुल्तान जोरेक्स न्यू लॉ सो हैव यू नॉट हर्ड क्या आपने सुना नहीं किसके बारे में अबाउट मीन्स बारे में अबाउट सुल्तान जोरेक्स न्यू लॉ सुल्तान जोरक का जो न्यू लॉ हैव यू नॉट हर्ड अबाउट इट नाउ What does Hodja say? Yes, sir. Okay. I heard about it. I heard. H E A R D. I heard about it. मैंने इसके बारे में सुना But I'm a smuggler. But B U T. But but means लेकिन I am a smuggler. मैं कौन हूं I am a smuggler. I am just smuggling. और मैं क्या कर रहा हूं I am a smuggler. और स्मगलर क्या करेगा स्मगलिंग करेगा राइट सो आई एम जस्ट स्मगलिंग मैं तो सिर्फ स्मगलिंग कर रहा हूं यू कैन चेक ओके सी एच ई सी के चेक मींस को चेक करना माई डोंकी आप क्या कर सकते हो आप मेरे डोंकी को चेक कर लो बट लेट मी टेल यू लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं लेट मी टेल यू मतलब मैं आपको एक बात बता दू दैट ट फाइंड डब्ल्यू ओ एन टी इसको हम क्या बोलते हैं वोंट सो यू वोंट फाइंड एफ आई एन डी फाइंड फाइंड मतलब ढूंढना या मिलना सो यू वोंट फाइंड एनी थिंग एन वाई टी एच आई एन जी एनीथिंग मतलब कुछ भी हेयर मतलब यू वोंट फाइंड एनी थिंग हेयर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और ये कहने के बाद में हौजा क्या करता है ही इज स्माइलिंग वो स्माइल कर रहा है राइट नाउ जस्ट इमेजिन अगर कोई स्मगलर जो है वो सिक्योरिटी को बोले कि आप चेक कर लो आपको जो चेक करना है डोंकी चेक कर लो बट आपको कुछ मिलेगा नहीं सो so, सिक्योरिटी कैसा फील करेगा वो चिड़चिड़ा जाएगा ना गुस्सा हो जाएगा राइट सो अक्रम भी जो है वो कैसा दिख रहा है अब? ही इज लुकिंग annoyed. एनॉय मतलब चिड़चिड़ा ओके थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में सो इज लुकिंग एल डबल ओ के आई एन जी एकरम लुकिंग एनॉयड ए डबल एन ओ वाई ई डी एनॉयड मीन्स चिड़चिड़ा ओके डोंट यू टेल मी what टू डू डोंट यू टेल मी मतलब आप मुझे मत बताओ वॉट टू डू कि मुझे क्या करना है मतलब आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है आई नो के एन ओ डब्ल्यू नो नो मीन जानना सो आई नो हाउ टू डू माई जॉब मुझे पता है हाउ टू डू माई जॉब मेरे जॉब को मैं मेरे काम को कैसे करूं एच ओ डब्ल्यू हाउ मीन्स कैसे आई विल नॉट लेट यू पास दिस बॉर्डर विदाउट टैक्स आई विल नॉट लेट यू पास मैं जो है आपको नहीं जाने दूंगा नहीं क्रॉस करने दूंगा दिस बॉर्डर इस बॉर्डर को विदाउट टैक्स मतलब टैक्स दिए बिना पैसे दिए बिना आई विल नॉट लेट यू पास द बॉर्डर एंड एक क्या करता है स्टार्ट एस टी ए आर सी एस टी ए आर टी एस स्टार्ट मीन शुरू कर देता है चेकिंग बंडल्स ऑन डोंकी बैक जो डोंकी के जो बैक है जो पीठ है उस पर जो बंडल्स रखे हुए उनको वो स्टार्ट कर देता है चेक करना आई डोंट हैव एनी गुड्स टू पे टैक्स फोर आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है एनी गुड्स कोई भी चीज मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है टू पे टैक्स फोर जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़े ए वाई पे करना मतलब यू नो लाइक टू पे मनी राइट नो एक्रेम स्टिल लुकिंग इन द बंडल्स जो एक्रेम है वो अभी भी क्या कर रहा है स्टिल स्टिल मतलब अभी भी एस टी आई डबल एल स्टिल मीन अभी भी लुकिंग इन द बंडल्स बंडल्स में लुक कर रहा है देख रहा है एल डबल ओ के आई एनची लुकिंग लुकिंग मतलब देखना हम hmm. स देयर इज नथिंग हेयर देअर इज नथिंग मतलब वहां पे नथिंग कुछ भी नहीं है ओके यू आर लकी एल यू सी के वाई यू आर लकी लकी का मतलब आप सबको पता है यू आर लकी बट नॉट फोर टू लॉन्ग सो आप क्या है आप लकी हैं बट नॉट फोर टू लॉन्ग बहुत ज्यादा टाइम तक आप लकी नहीं रहेंगे इस बार तो आप यू आर लकी दिस टाइम यू कैन क्रॉस द बॉर्डर दिस टाइम ओके मतलब इस टाइम तो इस बार तो यू कैन क्रॉस द बॉर्डर सी आर ओ डबल एस क्रॉस क्रॉस मीन्स बॉर्डर को क्रॉस करना पार करना So, this time you can cross the border without paying the tax. Without. Without. W I T H O U T. Without means BINA. BINA kiske? BINA paying the tax. Without paying the tax, you can cross the border. However. H O W E V E R. However means lekin. Now, listen to this word carefully again. H O W E V E R. However. However means lekin. नेक्स्ट टाइम अगली बार नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार यू विल हैव टू पे द प्राइस अगली बार तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा चुकाना पड़ेगा क्या चुकाना पड़ेगा द प्राइस पी आर आई सी ई प्राइस मीन्स कीमत अगली बार तो आपको जो है पैसे या कीमत पे करनी पड़ेगी आई विल catch you c a t c h okay c a t c h catch catch means पकड़ना i will catch you मैं आपको पकड़ लूंगा now go अब आप जाओ now means अब now go don't waste my time w a s t e waste waste means बर्बाद करना w a s t e waste waste means बर्बाद करना don't waste my time सो नसरद्दीन क्रॉसेज द बॉर्डर नसरुद्दीन जो है वो क्या करता है क्रॉस करता है बॉर्डर एक है वह कैसा दिख रहा है, है वह दिख रहा है एनॉयड यू नो वट इज द मीनिंग ऑफ एनॉयड एंड फ्राउंस एट हिम और क्या करता है वो फ्राउन करता है एट हीम फ्राउन करना मतलब गुस्से वाला लुक देखना ओके okay? गुस्से वाला लुक देना किसकी तरफ एट हिम यहां पर हिम किसके लिए आए बच्चों फोर मुला नसरुद्दीन राइट नाउ एक्ट फाइव वी एव कंप्लीटेड एक्ट फोर नाउ लेस कम टू एक्ट फाइव और इस एक्ट फाइव में क्या होता है अगेन लूज करता है एल ओ एस ई एस लूज मतलब हारना अक्रम जो है फिर वो हार जाता है किससे मुला नसरुद्दीन से so now let us see nasruddin comes to the border nasruddin jo hai wo aata hai border pe with a donkey ab us din chala gaya nasruddin border cross kar gaya without paying the tax and this is another day aur दूसरे दिन भी क्या होता है? nasruddin comes to the border nasruddin border पे आता है with a donkey टू मोर मैन और इस बार क्या होता है दो और आदमी एम ओ आर ई मीन्स और ज्यादा सो so, दो और ज्यादा मैन एम ई एन मैन मींस आदमी एम ए एन मैन सिंगुलर एंड एम ई एन मैन मीन्स प्लुरल मोर देन वन मैन इज कॉल्ड मैन सो टू मोर मैन आर सींग आर सीन फॉलोइंग हिम दो और आदमी जो है वो आर सीन वो देखे गए हैं या देखे जाते हैं फॉलोइंग हिम उसको उसको फॉलो करते हुए उसका उसके पीछे पीछे चलते हुए अलोंग विद देयर शीप अब मुला नसरुद्दीन के पास तो क्या है डोंकी और ये जो टू मोर मैन है इनके पास क्या है देयर शीप एस एच डबल ई पी यू नो वट इज द मीनिंग ऑफ शीप भेड़ सो अलोंग आर एच ई आई आर हिम नसरुद्दीन के पीछे पीछे चलते हुए अलॉन्ग शीप उनकी शीप के साथ नसरुद्दीन अब अक्रेम जानता है नसरुद्दीन को एक्रेम नोज नसरुद्दीन सो okay? so, एक्रेम स्पॉट स्पॉट मतलब सी देखता है सरुद्दीन को एंड गेट्स रेडी फॉर द चेकिंग और गेट तो रेडी हो जाता है गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाता है किसके लिए फॉर द चेकिंग चेक करने के लिए ओके सो नाउ वॉट एपन्स एकरम दिस टाइम यू कैनॉट फूल मी ओके सो वॉट डज एक्रेम से दैट दिस टाइम इस बार यू कैन नॉट फूल मी एफ डबल ओ एल फूल मीन बुद्धू बनाना सो वज से नॉट फूल मी इस बार आप मुझे आ यू हैव कंपनी दिस टाइम अच्छा यू हैव कंपनी दिस टाइम इस बार आप पूरी कंपनी में आए हो ग्रुप में आए हो आई सी शीप अब मुझे जो है शीप भी दिख रही है इस बार आई सी शीप डिड यू हाइड गुड्स इन द शीप फर तो क्या आपने डिड यू हाइड एच आई डी ई हाइड मींस छुपाना ओके कभी कभी आप चॉकलेट हाइड कर देते हो राइट सो हाइड मीन्स छुपाना डिड यू हाइड गुड्स इन द शेप फर क्या आपने जो है जो गुड्स हैं जो चीजें हैं वो शीप के फर में शीप के जो बाल हैं उनके अंदर छुपा रखी है लुकिंग एट नसरुद्दीन अब जो है जो है नसरुद्दीन की तरफ देखता है टुडे आई विल चेक टी ओ डी ए वाई टुडे मींस आज टुडे आई विल चेक आज मैं चेक करूंगा योर डोंकीज माउथ एज वेल आज तो मैं आपके जो डोंकी है आपका डोंकी मींस योर डोंकी तो आज मैं चेक करूंगा योर डोंकीज माउथ एज वेल एम ओ यू टी एच माउथ लास्ट टाइम क्या अक्रम को लगा कि मैंने डोंकी का माउथ चेक नहीं किया तो उसके अंदर कोई गुड जो है हाइट कर रखी थी ओके हॉजा ने सो व्हाट डज हॉजा से यू कैन डू एज यू विश आप जो है कर सकते हो यू कैन डू डी ओ डू मीन्स करना सो so आप कुछ भी कर सकते हो एज यू विश डब्ल्यू आई एस एच विश मतलब चाहना तो आप जो भी चाहते हो जो भी आप करना चाहते हो यू कैन डू आप वो कर सकते हो बट ब्यूटी बट मीन्स लेकिन यू विल नॉट फाइंड एनी थिंग हेयर बट आपको कुछ नहीं मिलेगा यू विल नॉट फाइंड फाइंड मीन्स मिलना नॉट मीन्स नहीं सो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग हेयर आपको कुछ नहीं मिलेगा हेयर एच ई आर ई हेयर मीन्स यहां टेक्स अ पॉज एंड कंटिन्यूस अब होजा जो है वो थोड़ी देर के लिए पॉज करता है मतलब रुकता है बोलने में है ना एंड कंटिन्यू उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करता है मतलब फिर दोबारा वो बोलना कंटिन्यू करता है शुरू करता है लाइक यू डिड नॉट फाइंड एनीथिंग ये जैसे कि यू डिड नॉट फाइंड आपको कुछ नहीं मिला एनीथिंग मींस कुछ भी नहीं मिला वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई ये आपको कल भी कुछ नहीं मिला था और ये कहने के बाद वो स्माइल करता है मतलब स्माइल क्यों करता है यहां पे क्योंकि हौजा जो है की मजाक कर रहा है उसको जो है शर्मिंदा कर रहा है नाउ ना चेक्स नसरुद्दीन एंड हिज फ्रेंड्स अलोंग विद देयर एनिमल्स टी एच ओ आर ओ यू जी एच एल वाई दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड लर्न द स्पेलिंग टी एच ओ थो आर ओरोके वट इज द स्पेलिंग टी एच ओ आर ओ यू जी एच एल वाई थोरो मतलब बहुत अच्छे तरीके से बहुत केयरफुली बहुत सावधानी से एक एक चीज जो है वो चेक करता है किसकी नसरुद्दीन एंड हिस्स और उनके एनिमल्स की टी एच ई आई आर देयर मीन उनके एनिमल्स की एकम इन अ लाउड वॉइस एंड फ्राउंड आईब्रोज अब एल ओ यू टी लाउड मीन्स ऊंची आवाज में तो अक्रम जो है ऊंची वॉइस में लाउड वॉइस में एंड फ्राउन आईब्रोज और गुस्से वाली आईब्रोज में गुस्से वाली जो है अपनी शक्ल बना के क्या कहता है यू के नॉट फूल मी एवरी टाइम यू के नॉट आप मुझे जो है हर बार फूल हर बार बुद्धू नहीं बना सकते एवरी टाइम मीन्स हर बार दिस टाइम टू यू कैन पास दिस टाइम मतलब इस बार भी two. टी टू टी डबलो टू मीन्स भी इस बार भी यू कैन पास इस बार भी आप जा सकते हो बट लेकिन नेक्स्ट टाइम अगली बार नेक्स्ट टाइम मीन्स अगले टाइम पे नेक्स्ट टाइम पे आई विल नॉट स्पेयर यू एस पी ए आर ई की वर्ड है डिफिकल्ट वर्ड है लर्न दिस एस पी एर मीन छोड़ना बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट स्पेर नहीं छोड़ा देखता है क्या स्पॉट करता है क्या देखता है एस पीओ स्पॉट मीन सी इस बार वो क्या देखता है कैमल्स एंड अनदर पर्सन फ्रॉम हॉटू तो मुल्ला नसरुद्दीन डोंकी ले आया उसके साथ में जो दो मैन थे दे ब्रॉड शीप एंड उनके पीछे जो बाकी के जो लोग हैं अनदर मीन्स बाकी के लोग दूसरे ए एन ओ टी एच ई आर अनदर मीन्स दूसरे ई आर ओ एन पर्सन मीन्स आदमी तो उनके पीछे जो दूसरे आदमी है अनदर पर्सन है वो क्या लेके आ रहे हैं कैमल्स कहां से फ्रॉम हॉट टू ग्रेट सो एक्रम बोलता है ग्रेट फर्स्ट डोंकी देन शीप एंड नाउ अ कैमल पहले आप डोंकी लाए फिर शीप लाए एंड नाउ अ कैमल अब आप कैमल लेके आ रहे हो डू दे वॉन्ट टू क्रिएट अहते हैं वॉन्ट मीन चाहना दे मीन्स वे यहां पर दे किसके लिए आया है मुला नसरुद्दीन और उनके फ्रेंड्स के लिए सो डू दे वॉन्ट टू क्रिएट अग क्रिएट करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं C R E A T E क्रिएट means बनाना एंड what डू दे want टू क्रिएट क्या ये लोग एक जू बनाना चाहते हैं चिड़ियाघर बनाना चाहते हैं सो so, हॉजा crosses द बॉर्डर वंस अगेन हॉजा जो है वो क्रॉस करता है बॉर्डर वंस ओ एन सी ई वंस अगेन ए जी ए आई एन वंस अगेन मतलब एक बार फिर with satisfaction satisfaction के साथ में अब सेटिसफेक्शन किस बात का कि वो हौज़ा जो है बिना टैक्स पे किए हुए स्मगलिंग करते हुए जो है अपना काम उसने किया एंड ही क्रॉस द बॉर्डर तो जब आप जो काम करना चाहते हो अगर वो काम कर लेते हो तो आपको एक खुशी मिलती है ना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस मैंने वो काम किया सो so उस फीलिंग को क्या बोलते हैं एस ए टी आई एस सेट एफ ए सी फैक्ट Satisfaction, satisfaction so Hoja crosses the border once again with satisfaction and Akram's face वर्स red with anger. और Akram को कैसा लगेगा उसे पता है कि ये स्मगलिंग कर रहा है वो खुद कह रहा है कि स्मगलिंग मैं smuggling कर रहा हूं बट अक्रम जो है उसको नहीं पकड़ पाया तो गुस्से में क्या होगा उसका जो फेस है वो रेड हो जाता है आर ई डी रेड हो जाता है विथ एंगर एन जी एंग्रम टर्स वन अब Akram क्या है टर्न मतलब मुड़ता है है जो जो ना का जो रहने वाला है उसकी तरफ टर्न करता है और क्या बोलता है हॉल्ट राइट हॉल्ट मीन्स स्टॉप एच ए एल टी हॉल्ट हॉल्ट मीन स्टॉप सो स्टॉप राइट अवे अभी अभी जो है इमीडिएटली आप रुक जाओ स्टॉप राइट अवे राइट स्टॉप राइट अवे इमीडिएटली यू स्टॉप आप तुरंत रुक जाओ आई विल नॉट लेट यू पास द बॉर्डर मैं जो है आई विल नॉट ओके आई विल नॉट लेट यू पास द बॉर्डर मैं जो है आपको बॉर्डर पास नहीं करने दूंगा आई नो यू आर You all are हाइडिंग समथिंग आई नो मीन्स मुझे पता है यू ऑल आप सब आर हाइडिंग समथिंग कुछ ना कुछ समथिंग मीन्स कुछ तो हाइड कर रहे हो कुछ तो छिपा रहे हो वेट टिल द सुल्तान नोज अबाउट इट डब्ल्यू ए आई टी वेट करो टिल द सुल्तान नोज अबाउट इट ओके जब तक कि सुल्तान को इस बात का पता नहीं चलता जस्ट वेट फॉर इट यू नो सुल्तान विल कम टू नो अबाउट इट देन स्टेज टर्न ऑफ स्टेज की जो लाइट है वो टर्न ऑफ हो जाती है बंद हो जाती है टी यू आर टर्न ऑफ जैसे आप नाइट टाइम में जब सोते हो सो डू यू डू आप रूम की लाइट टर्न ऑफ कर देते हो बंद कर देते हो सो टर्न ऑफ मींस बंद सी ओ एन वी ई आर एस ए टी आई ओ एन कन्वर्सेशन टर्न इन टू अस्पर और ये कन्वर्सेशन थी जो बातें कर रहे थे वो अब टर्न हो जाती है किसमें बदल जाती है इंटू इज लाइक टॉकिंग वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे बात करते हैं ना उसको विस्पर बोलते हैं एंड और धीरे धीरे जो कन्वर्सेशन है वो फेड अवे मतलब बिल्कुल बंद हो जाती है सुनना बंद हो जाता है दिस कंटिन्यूज एवरीडे अब ये जो कहानी है वो कंटिन्यू होती है एवरी डे हर दिन जो है ये कहानी चलती रहती है फोर ईयर्स और एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं फोर ईयर्स बहुत सालों तक ये जो है सेम चीज चलती रहती है हौजा और उसके जो आदमी है औरतों के वो आते हैं और एनिमल्स लेके वो जो है पास कर जाते हैं बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं एंड एकम कैनॉट कैच दम सो ईच डे नसरुद्दीन कम्स विद मोर पीपुल ईच डे हर दिन जो है नसरुद्दीन कम्स विद मोर पीपुल

आर गेटिंग रिचर वो रिच होते जाते हैं अमीर होते जाते हैं एवरी डे हर दिन राइट नाउ वी विल नो द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स एंड वॉट आर दीज टू वर्ड्स वन ऑफ देम इज फ्राउन एफ आर ओ डब्ल्यू एन फ्राउन का मतलब क्या होता है गुस्से से देखना नाउ यू सी दिस गर्ल सी दिस गर्ल किस तरीके से देख रही है यू लुक एट हर आईब्रोज तो ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको बोलते हैं फ्राउन एंड देन देर इज वन मोर एक्सप्रेशन कॉल्ड डब्ल्यू आई एन के विंक यू सी दिस गर्ल इसने एक आ कैसे कर रखी है इसको बोलते हैं विंक करना ओके सो यू नो दिस एक्सप्रेशन इज फ्राउन एफ आर ओडब्ल्यू एन जब आप गुस्से में होते हो तो आप इस तरीके का फ्राउन वाला एक्सप्रेशन देते हो और जब आप किसी से मजाक करते हो तो आप क्या करते हो विंग करते हो लाइक दिस राइट सो विद दिस वी स्टॉप हेयर यू गो थ्रू ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स थैंक यू